What's up guys, welcome back to our channel Xenozone. Guys, आ चुके हम लोग यहाँ पे हमारी ड्रैगन टेमर गेम के साथ, जो कि आप लोग जानते हैं काफी ज्यादा लेटेस्ट गेम है, क्योंकि ये आप लोगों को मॉन्स्टर लेजेंड्स, ड्रैगन सिटी, ड्रैगन मेनिया लेजेंड्स, मॉन्स्टर मास्टर्स, इन सब का भी भाई मोस्ट अपडेटेड वर्जन आपको गेम प्रोवाइड करती है, क्योंकि गेम जस्ट अभी इसकी थर्ड एनिवर्सरी चल रही है यहाँ पर, यानी कि गेम 2 से 3 साल पुरानी ही है अभी। प्लस इस गेम को यहां पर मिलता है आप लोग को स्पेशल एडवांटेज, क्योंकि यहां पर आप 5v5 का बैटल करते हैं, जबकि मॉन्स्टर लेजेंड्स के अंदर आप लोग को मिलता है 3v3 का बैटल और ड्रैगन सिटी के अंदर मिलता है आप लोगों को 1v1 का बैटल। तो यानी कि जब 5v5 होगा तो डिफिकल्टी तो यहां पर इंक्रीज होगी ही होगी, लेकिन साथ में मजा भी आएगा। प्लस हमारे जो यहां पर जितने भी ड्रैगन्स हैं इनकी चौथी इवोल्यूशन स्टेज भी गेम के अंदर है। हालांकि अभी हमारे सारे ड्रैगन्स लेवल 3 पे, यानी कि थर्ड इवोल्यूशन स्टेज के ऊपर है, लेकिन इनकी जो चौथी इवोल्यूशन स्टेज है, जैसे कि ये वाली हमारे इसकी है, तो इनको हम लोग इवॉल्व तब करेंगे जब कॉम्पिटिशन उस लेवल का होगा कि हम लोग पिट रहे होंगे, समझ रहे हो। अगर आप लोग पहले ही कर लोगे इनको इवॉल्व तो फिर आपके लिए मारना बहुत ईजी हो जाएगा दुश्मन की स्क्वाड को, पर मजा कब आएगा जब हम लोग यहां पर उतने ही लेवल का कंपटीशन रखें कि हम लोगों को जब तक हमारी बिल्कुल पीठ पाट के ऐसी की तैसी ना कर दें जब तक दुश्मन के ड्रैगन्स हमारी पीठ पाट के ऐसी की तैसी ना कर दें, तब तक हम लोग अपने ड्रैगन्स को चौथी इवोल्यूशन स्टेज पर ना डालें। लाइक कमेंट शेयर, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, फुल ऑन प्यार एंड सपोर्ट बरसाइए, ऐसी डिफरेंट डिफरेंट गेम की वीडियोस को इस चैनल पर एंजॉय करते रहने के लिए। और हां, अगर आप लोग ने हमारी इस वाली गेम की पहली वीडियो चेकआउट नहीं करी है, चेकआउट कीजिए, बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। गेम के ग्राफिक्स देखो भाई, पीसी का माल है यार। चलो भाई आ जाओ, आज की फाइट स्टार्ट करते हैं फटाफट से। पांच ड्रैगन्स हमारे और दुश्मन के 3 ड्रैगन्स, और हर एक एलिमेंट के ड्रैगन के अपने भाई फाइटिंग पावर्स हैं, पर आपको किसके ऊपर कौन सा हमला करना है यह आपको खुद समझना पड़ता है। आपके हर एक अटैक के ऊपर सामने आते हैं दुश्मन के सर के ऊपर 3 एरोज। अगर आपके अटैक के साथ आ रहा है दुश्मन के ऊपर ग्रीन रंग का एरो, यानी कि आपका अटैक उस पर्टिकुलर दुश्मन के ड्रैगन के काफी स्ट्रांग पड़ने वाला है। लेकिन अगर आपके अटैक के बाद यहां पर उसके ऊपर आ रहा है लाल रंग का एरो, यानी कि आपका अटैक उस पर्टिकुलर एलिमेंट के ड्रैगन के आगे बहुत वीक पड़ने वाला है। तो यहां पर थोड़ा आप लोगों को अटैक करने से पहले देखना है, समझना है कि कौन सा डैमेज, यानी कि आपका कौन सा हमला किस ड्रैगन पे अटैक कर रहा है, प्लस कितना डैमेज दे पा रहा है, और आपको अपने ड्रैगन्स की एचपी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इस समय यहां पर जो दुश्मन का पहला ड्रैगन है ऑलमोस्ट मरने वाला है, तो इसको जरा निपटाया, काम करते खत्म। चल भाई 1 डाउन हुआ, और खुद देखो भाई 3D गेम। आप लोग चाहे तो अपने अकॉर्डिंग भाई स्क्रीन को जैसे मर्जी हिला सकते हैं यहां पर, चाहे लेफ्ट से देखना चाहे आप, वरना आप सेंटर से देख सकते हैं, पर मुझे लगता है कि थोड़ा आइसोमेट्रिक में क्या होगा कि आप लोगों को फायदा ज्यादा रहेगा, जो ये वाला व्यू ना देख रहे हो, क्योंकि इसमें आप लोगों को 3D व्यू मिल रहा है, प्लस आप लोगों को अटैक देखने में दिक्कत भी नहीं होगी। जो ये वाला व्यू देख रहे हो परफेक्ट एकदम भाई, और बैकग्राउंड देखो भाई, ओ अच्छा देखो यहां पर जो दुश्मन का ड्रैगन है लाल रंग वाला जो है, ये हमारे वाले फायर ड्रैगन का जो चौथा इवोल्यूशन स्टेज है भाई, वो वाला ड्रैगन है, तो एकदम मैक्स लेवल वाला एकदम। और यही रीजन है कि इस वजह से आप लोगों को ये दुश्मन का ड्रैगन जो है, ये सेम ड्रैगन हमारे पास भी है, ये सेम ड्रैगन हमारे स्क्वाड में समय खड़ा भी हुआ है, पर हमारा थर्ड इवोल्यूशन स्टेज का है, जबकि दुश्मन का यहां पर चौथी इवोल्यूशन स्टेज का है। एक काम करते हैं, पहले ना जरा इसको मार देते हैं, वरना हम लोगों को भाई यहां पर बाद में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। बॉल ऑफ फायर के साथ हम लोग यहां पर भाई क्विक स्टेप भी मार सकते हैं, पर आप लोग जानते हैं भाई मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आता है जब हम लोग यहां पर इस्तेमाल करते हैं हमारे इस फायर। और ओए 220 डैमेज, हाँ ये मारना 206, बेहतरीन। बस बचा यहां पर दुश्मन का लास्ट ड्रैगन, वाटर ऑफ से आप लोग मार सकते हैं भाई यहां पर डाय वुल्फ का हमला, पानी की लहरों से किया काम तमाम। पहले विक्ट्री हम लोगों की होती है बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ये देख रहे हो भाई। और ड्रैगन्स में आप लोगों को यहां पर काफी अच्छी रेटी भी मिलती है, आप लोगों का कॉमन ड्रैगन है, फिर अनकॉमन ड्रैगन है, फिर आप लोगों का रेयर ड्रैगन है, फिर एपिक, और फिर आते हैं गेम के टॉप नॉच ड्रैगन्स, लेजेंडरी ड्रैगन्स। और सोचो जो ड्रैगन खुद में ही लेजेंडरी है, जब वो अपनी 4th इवोल्यूशन स्टेज में जाएगा, तो भाई वो ड्रैगन किस लेवल का होगा,
और क्या पता हमारे पास यहाँ पे इस गेम के जो हमारा तीसरा अटैक है उसके अंदर हम लोग को अल्ट भी मिल जाए, जिसके लिए आप लोगों को अपने ड्रैगन को लेवल 10 तक अपग्रेड करना पड़ता है। अबे नोटिफिकेशन हट जाए यार। मोरा पाने का बाउंडर और हम यहां अटैक 179 और यहां चेक करते हैं। ओ ग्रास टाइप के हमले वीक पड़ रहे हैं, यानी कि क्योंकि देखो दुश्मन के ड्रैगन्स फायर टाइप के हैं तो हमारा ड्रैगन वाटर टाइप का है, तो एलिमेंट टू एलिमेंट भी आपको समझना है। ग्रास टाइप पोकेमोन्स फायर टाइप पोकेमोन्स के सामने वीक पड़ते हैं और वहीं फायर टाइप पोकेमोन्स वाटर टाइप पोकेमोन्स के सामने वीक पड़ते हैं। तो जो ये हायरार्की है भाई ये आपको समझनी पड़ेगी, जो ट्रायंगल है पूरा एलिमेंट्स का ये आपको पूरा पता होना चाहिए। और अभी तो हम लोग शायद ड्रैगन से जो एलिमेंट्स है वो और भी इंक्रीज हो सकते हैं यहाँ पर आगे चलकर, बट फिलहाल तो हम लोग यहां पर इसको मारते हैं। 40,000 की आग की गेंद, फ्लेम चार्ज मार सकते हैं इसके पास जाके हम लोग यहां पर। भाई पंजा मारता है, बहुत खिंचा के मारता है एकदम, और वो भी पता है बहुत स्पीड से जाता है एकदम। क्लो फायर भी है 104, ठीक है 109 और एक मारेंगे हम लोग यहां पर इसके आइस शॉट, क्योंकि भाई ये 99। अब ये लास्ट अगर बचा हुआ हम लोग यहां पर इसे जल्दी से निपटाते हैं और एंडिंग करेंगे फ्लेम चार्ज के साथ। तेरी आज की हमारी इस वीडियो का दूसरा बैटल कंप्लीट होता हुआ, पर बिना टाइम वेस्ट करे आज धड़ाधड़ मैचेस होंगे क्योंकि हम लोगों को यहां पर चेकआउट करना है कि वो कौन सा लेवल आएगा जब हम लोग अपने ड्रैगन्स को चौथे लेवल पे इवॉल्व करना पड़ेगा। और क्या पता हम लोग भाई यहां पर कुछ और नए ड्रैगन्स का गुलू गुलू करवा के भाई कुछ नए अंडे बाहर निकालें, क्योंकि यहां पर हम लोगों को क्वेस्ट का ध्यान भी रखना पड़ेगा। क्विक स्टेप भी मिल रहा है हम लोगों को यहां पर, 202 का डैमेज है। ओए 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 211, अरे यार ये आग का है ना, देख लो हमारा ये ड्रैगन फायर टाइप था और दुश्मन के ड्रैगन से तीनों वाटर टाइप है, तो भाई इन्होंने तीनों के तीनों ने हमारे फायर टाइप ड्रैगन पे हमला किया भाई, बड़ा बदतमीज लौंडे। ठंडा कहा है मेरा चप्पल, कहा है दिया। 208 हो गया, आइस शॉट और टोर्नेडो अटैक। अब ये तो खुद ही पानी के हैं, तो पानी के ऊपर भाई मुझे लगता तो नहीं है कि यहाँ पर कुछ ज्यादा हम लोग कर पाएंगे, लेकिन जितना हो पाया कर ली, क्या दिक्कत है। ग्रास टाइप का हमला 154 का डैमेज दिया, 116 क्रिटिकल, बहुत बढ़िया। बॉल ऑफ फायर 60 का डैमेज। अब वाटर ड्रॉप का हमला मिल रहा है हम लोग को यहां पर 85। देख रहे हो दुश्मन के जो ड्रैगन्स हैं वो हमारे स्क्वाड के पहले फायर ड्रैगन को मार चुके हैं, लेकिन अब जो हमारे पास दूसरा फायर ड्रैगन है अब ये सब मिलकर उसको मारने की ट्राई कर रहे हैं। चप्पा 60 का डैमेज। हाँ इसके पीछे बढ़ेगा, लेकिन इनको यहाँ पर ये नहीं पता कि हमारे इस वाली स्क्वाड के अंदर दो ड्रैगन जो है वो अनकॉमन कैटेगरी के हैं, यानी कि वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेटी वाले हैं। दुश्मन का बस एक लास्ट ड्रैगन खत्म करेंगे इसकी कहानी विद नन अदर देन ये तेरी 202 का हमला। और यहां पे हम लोग मारेंगे बवंडर, लहरों के बवंडर। ओ वो भी सिम हमला कर रहा है, 208। यस देखो अभी इस बैटल के अंदर क्या हुआ कि हम लोग का एक ड्रैगन मारा गया, तो जैसे जैसे हम लोग अभी बैटल से अंदर आगे बढ़ेंगे ना, आप लोग के दो ड्रैगन मरेंगे, फिर तीन मरेंगे, और ऐसे करते करते एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका सिर्फ एक या दो ड्रैगन ही बचेगा आपकी जब विक्ट्री होगी, तो वो टाइम है जब आपको समझना है कि अब आपको अपने ड्रैगन्स को अपग्रेड करना है या फिर आपको अपने ड्रैगन्स को लेवल 4 तक इवॉल्व करना है। और जैसे ही वो यहाँ पर हो जाएंगे चौथी इवोल्यूशन स्टेज के ऊपर, उसके बाद आप लोग जानते हैं कि भाई उनका जो तीसरा अटैक है वो भी यहाँ पर अनलॉक हो जाएगा, जिसके बाद मैचेस और इंटेंस होंगे। बट फिलहाल तो हम लोग के यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं मैं इनको चेकआउट कर रहा हूँ, ताकि हम लोग भाई यहाँ पर धीरे धीरे इन रिवॉर्ड्स को भी कलेक्ट करते रहें, क्योंकि आप लोग जानते हैं एडवेंचर का मजा तभी है जब आप लोग पूरी शक्ति के साथ हमला करें, क्योंकि यही इस गेम का स्टोरी मोड है। हालांकि गेम के अंदर और बाकी सारे मोड्स भी है, लेकिन भाई आप लोग जानते हैं फिलहाल हम लोग यहाँ पर हमारे एडवेंचर मैप की तरफ ही आगे बढ़ेंगे। अब इस बार यहाँ पर दुश्मन के 1, 2, 3, 4 ड्रैगन्स आए और हमारे 5 5v4 का बैटल गाइस, 9 महाशक्तिशाली ड्रैगन्स के बीच होगी फाइट। 356 डैमेज, 237 डैमेज। अरे भाई 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 भाई, अबे सिर्फ 20% हेल्थ छोड़ी है, क्या हो गया भाई, बहुत गुस्सा आ रहा है। फ्लेम चार्ज मारो तेरे जाकर। 163, 211,
वाटर ओप भी हमारे पास यहाँ पे, हमारे पास यहाँ पे डाय वुल्फ भी है, 172 की फायर टाइप है वो, और वो मेरा एक्ट्रेक्टर मार भी दिया। अब बैटल यहाँ पहुंच चुका है 4v4 का, लेकिन दुश्मन का एक्ट्रेक्टर मरने वाला है। 11 4v3। ओ यहाँ पर कहानी में रंग बदलते हुए बिल्कुल वही नागिनेक्स की तरह है, क्लो ऑफ फायर मारेंगे हम लोग यहाँ पर इस हरे पत्ते वाले के 197। ओ हो, ये एलिमेंट का ट्रायंगल आपको अक्सर दिक्कत देता है। 108 96। अब इसके वो मारना, आई शॉट मारो, आग के टाइप का है, 99। और यहां पर हम लोग मार सकते हैं उसको, मारेंगे फायर टाइप मार सकते हैं, वो ग्रास टाइप का है ना, 80 गया। और एक मारते हैं जरा इसके बिल्कुल पास जाकर, ये धप्पा। अब सीन ऐसा है कि यहां पर दुश्मन का दूसरा ड्रैगन मरेगा। अब बैटल पहुंच चुका है हम लोगों का 4v2 का, यानी कि हमारी स्क्वाड अभी भी बैटल्स के अकॉर्डिंग स्ट्रांग पड़ रही है। मैंने कहा था ना जो हालत दुश्मन की दिख रही है आप लोगों को, जब वो हालत हमारी होगी कि हमारे दो ड्रैगन्स मर चुके हैं और दो जिंदा रहेंगे, और दुश्मन की हालत ऐसी होगी उनके चार ड्रैगन्स बचे और एक मरा होगा, यानी कि हम लोगों को अपने ड्रैगन्स को चौथी इवॉल्व स्टेज तक लाना पड़ेगा। बट फिलहाल तो हमारे ड्रैगन्स एकदम स्ट्रांग खड़े हैं, हमारे भी दो ड्रैगन्स मर चुके हैं और दुश्मन के भी दो। 3v2 का बैटल, बब्बर शेर ही कहते, 140 डैमेज, 120। अरे यार 85, नाइस, 144। पहले हम लोग खत्म करते हैं इसको, 3v1 की फाइट, घुमाते थोड़ा कैमरा इस तरफ क्योंकि भाई आप लोग उस तरफ दिखने में ज्यादा अच्छा लगेगा, मतलब क्योंकि उस तरफ बचा हुआ है। चपैक 93 और साथ में चपैक 88, जो ये भी 96 मार रहा है, कोई बात नहीं बेटे। टोर्नाडो भाई, ये टोर्नाडो हमारा देखने में कितना सुंदर लगता है भाई, ऐसे गोल बाउंड निकलता है पांव, हवा का एकदम पत्ते घूमते हैं। 93 हो गया, खत्म, टाटा गुड बाय, गया 211। बेहतरीन हमले हमारे इन ड्रैगन्स की तरफ से, और बिना टाइम वेस्ट करे चौथी मतलब अगली फाइट की ओर बढ़ते हैं। और यहां पर हम लोग को एक नया ड्रैगन दिख रहा है भाई, जो कि अपनी फोर्थ इवोल्यूशन स्टेज में है। मम्मी डर लग रहा है, 145 का डैमेज, 257, 237, क्लो फायर पे फ्लेम चार्ज, फ्लेम चार्ज वाली जाएगी, 289 बोलते, 93। थोड़ा ज्यादा ही मार देता, 93 का हमला होता है। देखो अगर आपके पोकेमॉन्स जो हैं भाई वो 100 से नीचे जा रहे हैं अटैक में तो बेकार ही है भाई। 262 ड्रैगन मार दिया, और ये क्या हो रहा, गलत हो रहा है ये। अब दुश्मन के पास भी यहां पर चार ड्रैगन्स हैं और हमारे पास भी चार ड्रैगन्स, और उनके जो ड्रैगन्स है वो हमला है भाई, उस बार 150 नीचे कहीं नहीं रहे। लगता है अपने बाकी सारे बिरादरी के भाइयों का बदला लेने के लिए आए मुझसे। हुई 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 हुई, पहले से मारो ना। इस समय फाइट हो चुकी है 4v3 की, पर ध्यान रहे दुश्मन का वो पोकेमॉन ऑलरेडी चौथी इवोल्यूशन स्टेज पे है। नमाने, देख देख देख, 240 का फटका दिया। अब बैटल पहुंच चुका है यहां पे 1 2 3 भाई, 3v2 चल रहा है, 3v2, 272 गया, चपैक 99 गया, 120, 48, 102 गया, एक मारेंगे डायरवुल्फ भाई, बहुत सुंदर अटैक है यार, पता है इतनी सुंदर, मतलब लगता है कि हाँ लहरें जा रही है सच में। चपैक खत्म, ही तो मरने वाला है, इसे मारते हम लोग यहां पर, ले अब होगी यहां पे फाइट 3v1 की, नाइस। हालांकि यहां पे हम लोग का वैसे तो तीसरा ड्रैगन भी ऑलरेडी मरने ही वाला है, लेकिन फिर भी यहां पे बचा जितना कर पाएगा उतना बेहतरीन, 167 बोवे मरने वाला है। तो टोर्नाडो या फिर आइस शार्ड, क्या मारा जाए, नहीं क्या मारा जाए, 91 हो गया, क्लो ऑफ फायर और साथ में वाटर ऑब। अब कितनी हेल्थ है इसकी, उसके बरो 2v1 की फाइट, देख रहे हो, इसी चीज की बात कर रहा था मैं। अब वो स्टेज आ गई है जहां पे हम लोग को अपने ड्रैगन को थोड़ा थोड़ा अपग्रेड करना पड़ेगा, या फिर हम लोग को इनको इवॉल्व कराना पड़ेगा इनकी फोर्थ इवोल्यूशन स्टेज की तरफ। यस, ग्राफिक्स गेम के बहुत प्यारे हैं भाई, एकदम पीसीएल हमारा एकदम प्यारे।
क्लेम करेंगे यहाँ पर रिवॉर्ड को। पहले आइलैंड के 9th बैटल तक हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। चलिए गाइस अब यहाँ पर थोड़ा भाई फार्म के अंदर उगाते हैं खाना, थोड़ी क्वेस्ट चेक करते हैं और चेक करते हैं कि अपने ड्रैगन्स जो हैं इनको हम लोग यहाँ पर कौन से लेवल का करेंगे अपग्रेड, और अपग्रेड के अलावा क्या हम लोगों को सच में नीड है कि हम लोग इनको इवॉल्व करें अभी के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्टिव के अंदर काफ़ी चीज़ें आ रही कि हम लोग ब्रीडिंग भी करवाएं फायर और वाटर का, नेचर का भी। तो एक काम करते हैं, फ्रीजी के साथ अगर हम लोग ब्रीडिंग करवा दें, आग और पानी कह रहे हैं, वैसे तो ये नेचर और वाटर का भी कह रहे हैं, पर ये अगर मैं इनको लगा दूंगा यहां पर ब्रीडिंग के ऊपर भाई तो ये फाइट कैसे करेंगे, है ना। दोस्तों एक काम करते हैं, हम लोग अपने ड्रैगन्स को ना थोड़ा थोड़ा अपग्रेड कर लेते हैं क्योंकि नीड है उस चीज की, क्योंकि हमारे ड्रैगन्स भाई 100 से भी नीचे डैमेज दे रहे हैं, जबकि दुश्मन का जो भी ड्रैगन आ रहा है वो 100 से नीचे जा ही नहीं रहा, समझ रहे हो बात को। तो इनको हम लोग लेवल 6 तक कर देते हैं, अभी हमारे ड्रैगन्स लेवल 4 पे जस्ट इवॉल्व हुए थे, ठीक है। अब इनको करते हैं हम लोग यहाँ पर 4 से 6 का, और उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि क्या हम लोग को और भी नीड पड़ेगी या फिर नहीं। अभी मैंने यहाँ पर रोक दिया है क्योंकि लास्ट बैटल के अंदर हमारे बचे थे ड्रैगन्स यहाँ पर 2, है ना। तो इस बार देखते हैं कि क्या हमारा सिर्फ एक ही ड्रैगन जितना बचेगा। क्लॉफ फायर है वरना हमारे पास यहाँ पे फ्लेम चार्ज भी है, फर्स्ट मारते हैं हम लोग यहाँ पे फ्लेम चार्ज क्योंकि मुझे इनको मैक्स टू मैक्स डैमेज देना है स्टार्टिंग से ही। वो जो प्रेशर है वो आप लोगों को स्टार्टिंग से ही बना के रखना पड़ेगा। 136 भाई 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 आराम से मेरे भाई आराम से, ये तो मरने वाला है हमारा ग्रास टाइप का ड्रैगन मरने वाला है, और फायर टाइप को भी ये काफी कुत्ते की तरह मार रहे हैं। 78 197 बॉल ऑफ फायर या फिर क्विक स्टेप हम लोग यहां पर 93 और ये लो बेटे 119 88 131 99 अरे भाई 81 एंड अब सिचुएशन देखो थोड़ी ऐसी है कि दुश्मन का मरा है सिर्फ एक ड्रैगन और हमारे 2 और फाइट पहुंच चुके हैं 3v3 303 का डैमेज। 3v2 की सिचुएशन, कितना भारी हमला कर रहा है ये लोग टोर्नेडो का, भाई मैं भी मारूंगा ले बेटे 150 का ये भी खा। 73 बोलने में कितना गंदा लग रहा है यार, 100 से नीचे डैमेज तो भाई बहुत बेकार लग रहा है। आई शॉट मारते हैं एक, ये देखो दुश्मन के जो ड्रैगन है वो भी लेवल 7 के हैं और मेरे ड्रैगन से भी लेवल 4 के, दिख रहा होगा आप लोगों को नंबर दिख रहा है, देखो ड्रैगन के ऊपर लिखा रहा है नंबर 7 7, तो हमारे में आ रहा है 4 4 4। तो भाई दुश्मन के ड्रैगन से लेवल 7 के हमारे 4 के, भाई फिर भी इनको मार रहे हैं भाई, यही तो बात है ना, क्योंकि हमारे 2 ड्रैगन यहां पर अल्ट्रा मतलब यूसी वाले हैं, अनकॉमन वाले हैं। 83 हो चुका है तो, ओ 311 ओए भाई पागल पागल है क्या, 311 हमला भाई कौन देता है 311 हमला भाई, डाई वुल्फ लहरें 143 चपैक चपैक, अरे हमारे 2 ड्रैगन्स वाह तेरी। भाई धीरे धीरे यहां पर इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है और डर माहौल में वो भी बढ़ता जा रहा है। चलिए भाई चेकआउट करें जरा और क्या क्या यहां पर अभी किया जा सकता है। मैंने तो पहले ही कहा था कि जो दुश्मन के ड्रैगन्स हैं यार वो ऑलरेडी लेवल 7 के हैं, तो हम लोग कम से कम लेवल 6 तक तो पहुंच ही जाते हैं। तो फटाफट से हम लोग जरा हम लोग के बाकी सारे ड्रैगन्स को अपग्रेड करते हैं, लेवल 6 तक पहुंचते हैं। लेवल 5 हो गया है, लेवल 6 हो गया है, बेहतरीन। अब हमारे 2 ड्रैगन्स जो कि अनकॉमन कैटेगरी के थे हमने उनको कर लिया अपग्रेड, पर इनके जो पेरेंट ड्रैगन थे यानी कि जो कॉमन के 3 ड्रैगन्स थे पानी घास और आग, अब इनकी कहानी हम लोग पहुंचाएंगे लेवल 6 तक की, हो चुका है ये, ठीक है। अब बचा हम लोग के पास एक आखिरी ड्रैगन लेवल 6 करा जाए,
और 10 होते यहां पे हो जाएंगे विकसित, इनकी फोर्थ इवोल्यूशन स्टेज आ जाएगी यहां पर, ठीक है। तो गाइस इस समय हम लोग के जो चारों के चारों मतलब हमारे जो पांचों के पांचों ड्रैगन्स हैं वो करंटली तो यहां पर हो चुके हैं एकदम बढ़िया अपग्रेड छठवें लेवल का, प्लस हम लोगों का हो चुका है यहाँ पर 11-9, यानी कि अब हम लोगों की और भी कुछ नई नई चीज़ें अनलॉक हो चुकी होंगी, जैसे कि हम लोग फिलहाल तो अभी क्वेस्ट में भी जरा चीज़ों को भाई पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग जाते हैं क्वेस्ट की चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए तो आप लोग को मिलते हैं बेहतरीन रिवॉर्ड्स। तो ग्रास और फायर के साथ हम लोग ग्रास और वाटर टाइप का कराएंगे मीटिंग। अब जब यहाँ पे करेंगे भाई मीटिंग, तो उसके बाद यहाँ पर कुछ ही टाइम के अंदर हम लोग को इनका एक नया एग मिल रहा है और उसको हम लोग फिर प्रेस करेंगे यहाँ पे हमारे इनक्यूबेटर के अंदर। तो अगर हम यहाँ चेक करें, देखो यहाँ पे टास्क ये भी है कि हम लोग को अपग्रेड करना है अपने ड्रैगन को लेवल 10 तक का, ठीक है, और हैचरी को भी अपग्रेड करना है, लेकिन हमारे पास उसके लिए अभी जेम्स नहीं है यहाँ पर, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। उसके अलावा क्लियर करनी है 2 ऑब्स्टेकल्स, तो एक काम करते हैं भाई, हम लोग उठाते हैं यहाँ पे पत्थरों को, जिसके लिए आप लोगों को 25,000 गोल्ड कॉइन देनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप लोग करते हैं यहाँ पर भाई पेड़ तो 600K का आप लोगों को गोल्ड कॉइन्स की वेस्टेज करनी पड़ेगी, और इतने तक हम लोग करेंगे नहीं। तो जब तक यहाँ पे तोड़ रहा है पत्थर, और पत्थर तोड़ने वाला मजदूर भाई वो भी ड्रैगन ही है। अब भाई ड्रैगन्स की दुनिया है तो हर छोटे से लेके बड़ा काम ड्रैगन्स ही करते हैं। अब जो नया अंडा था वो तो वहाँ हो गया हमारे इनक्यूबेटर के अंदर, तो वो आराम से वहाँ पे पहुँच जाएगा, और जब तक वो चीज़ हो रही है हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं कि क्या हम लोग किसी और को ब्रीड करवा सकते हैं ग्रास और पानी के साथ। अगर हम लोग यहाँ पर पानी ही करवा दें तो अब देखते हैं कि कौन सा नया ड्रैगन हमको मिलता है, क्योंकि यहाँ पर फिलहाल इसमें टाइम बहुत लगेगा, और ये हम लोगों की यहाँ पे भाई ब्रीडिंग की लॉग है कि आप लोगों को किसके साथ कौन सा ड्रैगन मिलता है। और आई गेस यहाँ पे हमने अभी भी जो ब्रीडिंग करवाई है उससे हमारे पास जो अंडा आया है वो ड्रैगन हमारे पास ऑलरेडी है, यानी कि ये जब एग यहाँ पर हैच होने वाला होगा हम लोग इसको सेल करेंगे। तो दोस्तों आई गेस हम लोग रखते हैं भाई यहाँ पे हमारे इस वीडियो को आज यहीं पर ही, लाइक कमेंट शेयर चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, फुल ऑन प्यार एंड सपोर्ट बरसाइए। But even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement.